आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हो सकती है। दोनों 15वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मनीला पहुंचे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका समेत चार देशों ने पहली बार बैठक की। चीन के आक्रामक रुख समेत आतंकवाद पर हुई चर्चा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारियों ने मनीला में मुलाकात की। आपसी हितों के कई मसलों पर चर्चा। रविवार को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। मनीला में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे और रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव से मुलाकात की। तीन दिन की यात्रा में पीएम मोदी आसियान की 50वीं सालगिरह में हिस्सा लेंगे। आसियान देशों के बीच आर्थिक साझेदारी पर चर्चा की जाएगी। केरल के त्रिशूर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर वारदात का आरोप। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हत्या की निंदा की और कहा सीएमएस बताएं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए। मारे गए आरएसएस कार्यकर्ता पर भी सीपीआईएम समर्थक की हत्या का आरोप था। 4 साल पहले की गई थी हत्या। कानपुर में छिड़खानी से बचने के लिए मां बेटी ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग। हावड़ा से दिल्ली आ रही थी दोनों। नाबालिग लड़की की मां का आरोप, जीआरपी से शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी के शक में हत्या का आरोप। 6 गाय ले जा रही गाड़ी पर हमला, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल। प्रद्युमन मर्डर केस में सीबीआई का खुलासा, सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस ने सबूत मिटाए। कंडक्टर अशोक को फंसाने के लिए फर्जी चाकू की बरामदगी दिखाई गई। एसआईटी के 4 पुलिस वाले भी शक के घेरे में। प्रद्युमन के पिता पहले ही गुरुग्राम पुलिस की जांच पर उठा चुके थे सवाल, जबकि सीबीआई ने स्कूल के सीनियर छात्र को पकड़ा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए दिया पत्नी को तलाक, महिला की पीएम से मदद की गुहार। 11 दिसंबर तक इंसाफ नहीं मिलने पर महिला ने वीसी ऑफिस के सामने 3 बच्चों समेत खुदकुशी की धमकी दी। प्रोफेसर खालिद बिन यूसुफ ने कहा नियमों के तहत 3 तलाक दे रहा हूं, तय तारीख पर 3रा तलाक भी दूंगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा हादसा, कृष्णा नदी में नाव पलटने से 16 लोगों की मौत, 7 लोग लापता। यात्रियों से भरी एक प्राइवेट नाव भवानीपुरम में पुन्नामी घाट पवित्र संगम की ओर जा रही थी, क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाने की वजह से हुआ हादसा। पुलिस के मुताबिक स्थानीय मछुआरों ने 15 लोगों को बिठाया। एनडीआरएफ की टीम भी तलाशी अभियान में जुटी है। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से कहा जिस जमीन की सेना को जरूरत नहीं उसे वापस लौटाया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं के 30 से ज्यादा घर जलाने के आरोप में 53 लोग गिरफ्तार। फेसबुक पर पोस्ट के बाद भड़की थी हिंसा। पुलिस का जमात इस्लामी पर आरोप, संसदीय चुनाव से पहले अशांति फैलाने के लिए हिंदुओं पर हमले किए गए। आज दिल्ली के जेएनयू में श्री श्री रविशंकर नेहरू मेमोरियल लेक्चर देंगे, छात्रों से बातचीत भी करेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक आकाश की तलाश की अमेरिका में हत्या, गुजरात के आनंद के रहने वाले थे आकाश। इराक ईरान बॉर्डर पर आए भूकंप में अब तक 61 लोगों की मौत, बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की खबर। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई। 300 किलोमीटर दूर बगदाद और कुवैत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5 दिन बाद भी आज स्कूल खुले, स्मॉग की वजह से दिल्ली के हालात में कोई बदलाव नहीं। वहीं गुरुग्राम में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद में स्कूल का समय बदला गया है, सुबह 7 की बजाय 9 बजे खुलेंगे स्कूल। ऑडिबन को लेकर केजरीवाल सरकार आज एनजीटी में रखेगी अपना पक्ष, प्रस्ताव को दिल्ली सरकार पहले ही कर चुकी है वापस। दिल्ली में निर्माण पर लगाई गई रोक की कई जगह अनदेखी, संसद भवन के पास धड़ल्ले से काम जारी। दिल्ली में आज भी जहरीला स्मॉग नजर आ रहा है, फिलहाल इसके छंटने के कोई आसार नहीं दिख रहे। स्मॉग की वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में विजिबिलिटी 100 मीटर से कम है। पीएम 2.5 और पीएम 10 का लेवल 500 से 700 के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल शाम तक हल्की बारिश की उम्मीद है, जिसके बाद स्मॉग से राहत मिल सकती है। दिल्ली के रोहिणी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बाहर हंगामा, आश्रम में लड़कियों को कैद करने का आरोप। आश्रम में रह चुकी लड़की का आश्रम के संचालक पर यौन शोषण का भी आरोप, आश्रम ने कोई जवाब नहीं दिया है।
मुंबई में संजीव लीला भंसाली के घर के बाहर प्रदर्शन। फिल्म पद्मावती में इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप। फिल्म पद्मावती के विरोध में जयपुर की राजकुमारी भी मैदान में आई। दिया कुमारी ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। मुंबई में ही बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने फिल्म पद्मावती का विरोध किया, साथ ही राजपूत समुदाय के लोग भी मौजूद थे। फरीदाबाद में भी पद्मावती के विरोध में सिनेमा घरों के बाहर प्रदर्शन किया गया। फिल्म न रिलीज करने की चेतावनी भी दी गई। रायपुर में फिल्म पद्मावती का विरोध हुआ, प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। 5 साल के बच्ची को नहीं ढूंढ पाई मुंबई पुलिस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई फटकार का, सही तरीके से पुलिस करे काम। मुंबई की खार जिमखाना की कचरा निपटाने की अच्छी पहल, मशीनों से खाद बनाकर क्रिकेट मैदान में किया जा रहा इस्तेमाल। घरवालों की डांट से नाराज मेरठ की लड़की ने पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दी, पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर शिया वक्फ बोर्ड की कोशिश जारी, बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। रिजवी के प्रस्ताव पर हिंदू पक्षकारों ने सहमति जताई है, बातचीत में अखाड़ा परिषद दिगंबर अखाड़ा के महंत भी मौजूद रहे। यूपी के मिर्जापुर में पुलिसकर्मियों के लिए लीव मैनेजमेंट ऐप लॉन्च, ऐप पर छुट्टियों के लिए किया जा सकेगा आवेदन। यूपी के चंदौसी में निकाय चुनाव में नामांकन के दौरान दो पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़े, 1 घंटे तक चला हंगामा। बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन पर हाई लेवल मीटिंग हुई, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने पर सहमति। देश में अलग से इस्लामिक बैंक की जरूरत नहीं, आरबीआई ने कहा सबके लिए समान बैंकिंग समान सुविधा। एयर इंडिया को 1500 करोड़ का कर्ज मिला, बैंक ऑफ इंडिया अगले हफ्ते से किस्त में देगा कर्ज। 99 रुपए के बेस फेयर में हवाई सफर का ऑफर, घरेलू रूट पर एयर एशिया ने दिया ऑफर। T20 से संन्यास लेकर धोनी ने तोड़ी चुप्पी, कहा जो सही लगता है वही करता हूं, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। धोनी के बचाव में उतरे कपिल देव, कहा अगले T20 वर्ल्ड कप के सचिन साबित होंगे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आर अश्विन पर रहेगी नजर, टेस्ट में 300 विकेट से 8 विकेट दूर हैं अश्विन, डेनिस लिली का तोड़ सकते रिकॉर्ड। टीम इंडिया के गेंदबाज कुलदीप यादव का खुलासा, सुसाइड करने की सोच रहे थे कुलदीप, टीम में सेलेक्ट नहीं होने पर हो गए थे निराश। पाकिस्तान में खेलेगी वेस्टइंडीज की टीम, दोनों देशों के बीच 5 साल का हुआ करार, अगले साल 3 मैचों की सीरीज खेली जाएगी।